पे तस्वीर देख लीजिए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्या ये मिशन इम्पॉसिबल है कि पॉसिबल है, आज ये सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है। विपक्ष जोड़ने का कार्यक्रम तो नीतीश कुमार कर ही रहे हैं, केसीआर बिहार में जाकर तमाम लोगों से मिलकर आए, वहां उठ बैठ वाला सिलसिला भी आपने देख लिया, लेकिन क्या ये सब एक हो जाएंगे और मोदी को हरा पाएंगे, आज इस पर बहस हो रही है। सापरा साहब, उस वक्त आप म्यूट थे, अब अनम्यूट मेरे ख्याल से हो चुके हैं। अब मुझे बता दीजिए, भारत जोड़ो कि पहले कांग्रेस जोड़ो? देखिए रूबिका जी, सर्वप्रथम तो जो आपने ये मिशन इम्पॉसिबल मैंने अभी आपके यहाँ स्क्रीन पर पढ़ा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, मैं किसी के ऊपर टच नहीं कर रहा हूँ। मुझे नेपोलियन की वो लाइन याद आई जो मैंने स्कूल में पढ़ी थी कि इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन डिक्शनरी ऑफ फूल, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर विपक्ष या नीतीश कुमार भी कोई प्रयास कर रहे हैं, अगर कांग्रेस पार्टी अलग से कोई प्रयास कर रही है, तो मेरे ख्याल से लोकतंत्र के अंदर वो हमारा दायित्व बनता है, हम वो प्रयास कर रहे हैं वो दायित्व के चलते। आपको याद होगा 2004 में भी इसी तरह से शाइनिंग इंडिया की बात हुई थी, और शाइनिंग इंडिया और अटल बिहारी वाजपेयी जी का व्यक्तित्व मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी से भी बड़ा था, लेकिन फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी हारे, बीजेपी हारी, उनको कुछ 138 सीटें आई थी, कांग्रेस को 145 सीटें आई, एक गठबंधन बना, यूपीए बनी, और उस यूपीए में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो किसी ने सोचा भी नहीं था, नहीं नहीं सापरा साहब आप सही कह रहे हैं, वो तो इतिहास में दर्ज है ना, उसको तो आप नकार नहीं सकते हैं, एब्सोल्युटली योर करेक्ट। आपने जो भी एक चीज बोली है उसमें कहीं भी मैं इधर उधर नहीं करूंगी, लेकिन उस वक्त बीजेपी को छोड़कर कोई इधर उधर भाग नहीं रहा था, बीजेपी के तमाम बड़े सिपाही जो हैं उस वक्त एक ही मिशन में लगे हुए थे। दिस इज नॉट इन योर केस सर, ये आपके केस में कतई नहीं है, आपकी पार्टी तितर बितर है, आपकी पार्टी के तमाम बड़े मजबूत पिलर आपको टाटा बाय बाय कर गए हैं, तो आप 2004 से अपने आप को इस बार तो कंपेयर ना करें, बेहतर रहेगा। यानी उस वक्त की बीजेपी और इस वक्त की कांग्रेस को आप नहीं कंपेयर कर सकते, वहां सब सिपाही के तौर पर काम कर रहे थे, आपके यहां पर आज ऐसा होता हुआ कुछ नहीं दिख रहा है, ये सच्चाई है। देखिए रूबिका जी, कोई तितर बितर वाली बात जो है वो आप तक ही वो तितर बितर वाली बात है, हम तो ये देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो ये एक फैक्ट्री है, एक कार्यकर्ता निर्माण करने की फैक्ट्री है, एक नेता निर्माण करने की फैक्ट्री है, और हम तो यही सिखाते हैं कि भाई जहाँ भी कहीं फैक्ट्री में माल बनता है और उसके बाद मार्केट में जाकर वो दूसरी पार्टियों द्वारा ले लिया जाता है। रूबिका जी ये क्या बात है, आप एक सवाल पूछती है उसका उत्तर पूरा नहीं लेती है, थोड़ी ईमानदारी से हम डिबेट कर ले ना, मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। तो कांग्रेस पार्टी 136 साल पुरानी पार्टी है, ऐसा बहुत सा समय कांग्रेस ने देखा है, 1977-78 में भी देखा, 88-79 में भी देखा, 98-99 में भी देखा, तो ये दौर से हम गुजरे हैं, तो एक विशाल पार्टी है, हम इसको समय समय पर मजबूत करते रहे हैं, अगर कोई जाता है तो उसकी जगह में नए लोग आते हैं। और जहां तक राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का सवाल है, आपने उसका भी जिक्र किया, तो ये राहुल गांधी जी का जो युद्ध है ये महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के विरुद्ध है, जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये अहंकारी सरकार महंगाई पर कांग्रेस पार्टी जो है और विपक्ष पूरा 2-2.5 साल से जो है वो प्रदर्शन कर रहा है, संसद में भी और सड़क पर भी। संसद में हमें मात्र 25 मिनट मिले बोलने के लिए, इसलिए हमने तय किया कि जो सरकार हमको संसद में नहीं बोलने देती है उस सरकार के खिलाफ हम लोक अदालत में जाएंगे, लोगों की अदालत में जाएंगे, और लोगों की अदालत में हम ये उजागर करेंगे। आप किसी में, बट बिकॉज यू मेंशन इम्पॉसिबल इटसेल्फ इज आई एम पॉसिबल, तो मुझे भी एक कहावत अंग्रेजी वाली याद आ गई है, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो आप पहले घर पर अपने काम करना शुरू कर दीजिए, और घर से मेरे माने हैं कांग्रेस। आप कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको ऐसे दर्जन नाम गिना दूंगी जो आपके मजबूत सिपह सालार थे, जो आपको बाय कहकर चले गए हैं। आप कह रहे हैं हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो पार्टी को अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो जनता को ये देख कर फर्क पड़ेगा कि आप जब उनका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं तो आप जनता का क्या ख्याल रख पाएंगे, जब आप अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं तो पूरा देश क्या संभाल पाएंगे, ये सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। सापरा जी, अब मैं रोक रही हूँ आपको। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।